बेटे नेक्स्ट इज अवर ड्राइविंग स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियन फ्रॉम एंट्रोपी चेंज. ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क डन जो यूजफुल है, दैट इज ऑफ नॉन एक्सपेंशन. आज हम कर रहे हैं कि स्पॉन्टेनिटी इन टर्म ऑफ एंट्रोपी चेंज कैसे निकालें. ठीक है, ओके. हमें पता है डेल्टा एस टोटल, वी हैव डन दैट डे ओनली, इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम. ठीक है, डेल्टा सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम अगेन दे आर कमिंग लेट. ठीक है, अब ये सिस्टम अगेन कांस्टेंट बेटे टेम्परेचर पे हो रहा है. ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, और वैसे ही हम डेल्टा सराउंडिंग को जैसे पहले इक्वेट किया था कि इट इज इक्वल टू, और हम ये कह सकते हैं कि सराउंडिंग सिस्टम को हीट लॉस कर रही है, मतलब हीट किसकी कम हो रही है, सराउंडिंग की. तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव में, इट विल बी इन द नेगेटिव व्हेन सराउंडिंग विल लॉस इज हीट टू द सिस्टम. ठीक है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू प्लीज ट्राई टू कम एट राइट टाइम. ओके, सो इट विल बी इज इक्वल टू माइनस क्यू पी अपॉन टी, एंड वी नो दैट इज क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी. ठीक है बेटे, जब सराउंडिंग ने हीट लॉस करी कांस्टेंट टेम्परेचर पे सिस्टम के ऊपर, तो इसकी जो हीट है वो डिक्रीज हुई. तो डेल्टा एस किसकी इक्वल हो जाएगी, माइनस क्यू पी अपॉन टी, एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी. अब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, तो यू विल गेटिंग डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस की जगह पे डेल्टा एच नेगेटिव अपॉन टी प्लस डेल्टा एस सिस्टम. ठीक है, इसकी इक्वल हो जाएगी, गॉट इट, यू विल बी गेटिंग दिस. ठीक है, ओके. अब लेट अस मल्टीप्लाई विद टी, लेट अस मल्टीप्लाई दिस विद टी. तो हम अगर टी से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन को, तो टी डेल्टा एस बन जाएगी, टी डेल्टा एस. और यहाँ पे बेटे डेल्टा एच अपॉन टी है, तो ये क्या रह जाएगी, डेल्टा एच प्लस ये क्या बन जाएगी, टी डेल्टा एस. ये क्या है बेटे, सिस्टम की, सॉरी ये होगी टोटल, और ये होगी आपकी सिस्टम की. ओके, और ये होगी आपकी सराउंडिंग की. ठीक है, ये 9th के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है बच्चे. आई कैन इवन राइट लाइक दिस, टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच. ठीक है, माइनस डेल्टा एच, ये भी लिख सकते हैं. अब हमें पता है बेटे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा जी. ठीक है, इसका मतलब अगर ये माइनस है और ये पॉजिटिव में है, तो मीन्स डेल्टा जी का ऑपोजिट सही ना, ये ठीक है. अगर मैं इसको नेगेटिव से, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव डेल्टा एच ना, नेगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी, तो इट विल बी माइनस डेल्टा जी. यही बनेगा कि नहीं बनेगा,
बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, इसके इक्वल ही बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, आई एम ओपनिंग इन चैट बॉक्स. ओके, यस और नो? बस काव्य इज लिसनिंग है, टू थम्स अप आउट देयर. तो इसकी जगह पे आई कैन राइट टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा जी. ठीक है, मींस अगर डेल्टा जी नेगेटिव में आना चाहिए एंड जब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में होती है ना बेटे, तब हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. और वो कब आएगा? जब ये टी डेल्टा एस पॉजिटिव में होगा और टोटल टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इंक्रीज होगा. ऑब्वियसली बेटे वी हैव डन टू क्राइटेरिया, एक तो आपकी जो एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए, मींस रिएक्शन की होनी चाहिए एक्सोथर्मिक, और जो एंट्रोपी है वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए. तो मींस टी डेल्टा एस टोटल आपकी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करनी चाहिए. बट ऑब्वियस है बेटे, अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस है तो इसका मतलब एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की इंक्रीज करेगी, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. क्यों होगी? क्योंकि आपकी जो तो डेल्टा जी है वो नेगेटिव में होगी. आप याद रखोगे बेटे, गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, अगर नेगेटिव में होगी तब आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. अगर ये पॉजिटिव में है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है. ये नेगेटिव में कब आएगी? जब आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी. अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हम क्या क्राइटेरिया देखेंगे वो भी करेंगे. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है कि हमने पता करना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है और कब नहीं होती है. ओके, स्पॉन्टेनियस कब है कब नहीं है हमने ये देखना. ओके, ठीक है. अब राइट डाउन, हमारे पास ये इक्वेशन है एंड यू विल बी आल्सो गिविंग द आंसर. अब राइट डाउन ड्राइविंग स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया फ्रॉम गिब्स हेल्मोन्स इक्वेशन. नाउ यू हैव टू ड्राइव स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया फ्रॉम, अभी तो एंट्रोपी अकेला लिखा है, फ्रॉम अ पूरी इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट इज गिव हेल्मोन्स इक्वेशन. ठीक है, अब मतलब डेल्टा जी कब हमारी नेगेटिव में आ सकती है? पहला देखो, अगर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस पॉजिटिव में, तो पहले है कि दोनों पॉजिटिव में, मींस बोथ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव. देखो, अगर इंथैल्पी पॉजिटिव में है, मींस रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है अगर डेल्टा एच पॉजिटिव में है. हाँ, तो टी डेल्टा एस फेवर कर रही है. टी डेल्टा एस अगर पॉजिटिव में है तो इट इज फेवरिंग. ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर इस जब ये दोनों पॉजिटिव में हो और इफ डेल्टा एच ज्यादा हो टी डेल्टा एस से. ठीक है, डेल्टा एच मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा हो, टी डेल्टा एस कम हो, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? हरी अप, रिएक्शन क्या हो जाएगी जल्दी, रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटे? एनीवन, रिएक्शन क्या होनी चाहिए अगर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव है? यस जपन जोत, यू आर राइट, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या होता है बेटे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और टी डेल्टा एस. देखो, दो ड्राइविंग फोर्स करे थे जब आपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था. दोनों बेटे क्राइटेरिया, एक तो मिनिमम एनर्जी है, एक मैक्सिमम रैंडमनेस है. या तो दोनों फेवर करें,
ठीक है, या तो दोनों फेवर करें, या अगर एक फेवर कर रहा है तो वो ज्यादा फेवर करे और जो दूसरा है वो कम फेवर करे। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स दोनों एविटे डेल्टा एच या तो ज्यादा एक्सोथर्मिक हो, अगर ये एंडोथर्मिक है तो ये वाला फेवर कर दे ज्यादा। समझ रहे हो, दोनों इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, ओके, तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। हमेशा ही याद रखना मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम रैंडमनेस। मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब सिस्टम में से एनर्जी निकलेगी, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। और मैक्सिमम रैंडमनेस कब होगी, जब डेल्टा एस पॉजिटिव में होगा, मतलब एंट्रोपी जो हमारे यूनिवर्स की इंक्रीज करेगी। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपके दोनों बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से हमने क्वेश्चन डालना ही है आपको, अगर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस पॉजिटिव में होगा और डेल्टा एच ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा पॉजिटिव में हो जाएगा, मतलब रिएक्शन ज्यादा एंडोथर्मिक हो जाएगी, तो आपकी जो प्रोसेस है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जो डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, ओके, और अगर इसी केस में डेल्टा एच अगर टी डेल्टा एस से कम हो जाएगा, मींस ये इतना एनर्जी सिस्टम लेगा नहीं, कम एंडोथर्मिक है मगर रैंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, जैसे कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, वाटर लिक्विड है गैस में है, तो तब एंट्रोपी इंक्रीज करती है, चाहे आपको डेल्टा एच रिक्वायर्ड होती है, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड द डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। गॉट इट, देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। समझ आई बेटे? यस, गेटिंग द पॉइंट? युवराज इज कमिंग नाउ। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, इफ इट इज इक्वल देन क्या हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। डेल्टा एच अगर टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाए तो इट विल रीच टू इक्विलिब्रियम। ओके, इट विल रीच टू इक्विलिब्रियम एज डेल्टा जी विल बी नाउ जीरो। ठीक है, डेल्टा जी विल बी जीरो। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया कौन सा लिया था, जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों क्या थे बेटे, पॉजिटिव। अब हम दोनों क्या कर रहे हैं, नेगेटिव। जब हम दोनों नेगेटिव कर रहे हैं तो एनर्जी का फैक्टर तो फेवर कर रहा है, ठीक है, मगर जो रैंडमनेस का फैक्टर है वो अपोज कर रहा है। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं, व्हेन बोथ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस या डेल्टा एस इज नेगेटिव। ठीक है, जब नेगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब ये जो है वो फेवर कर रहा है और ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इफ इट इज इन नेगेटिव इट विल बी फेवरिंग दैट इज डेल्टा एच। इसका मतलब इस केस में बेटे डेल्टा एच अगर ज्यादा होगा टी डेल्टा एस से, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसका मतलब जो फेवर कर रहा है फैक्टर, जो डेल्टा एस है वो ज्यादा हो जाएगा टी डेल्टा एस से। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब अगर डेल्टा एच टी डेल्टा एस से ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगी, अब स्पॉन्टेनियस। ऑब्वियसली जो फेवर वाला फैक्टर है वो ज्यादा हो जाएगा, तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। एंड डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। ओके, सेकेंड, अगर डेल्टा एच टी डेल्टा एस से कम हो जाएगा और टी डेल्टा एस ज्यादा हो जाएगा, तो जो फेवर वाला फैक्टर है वही कम हो रहा है, जो फेवर वाला फैक्टर है बेटे वही कम हो रहा है, मतलब रिएक्शन कम एक्सोथर्मिक हो रही है और रैंडमनेस भी कम हो रही है।
टी डेल्टा इस नेगेटिव का मतलब ये है, हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब रैंडमनेस सिस्टम की कम हो रही है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और डेल्टा जी क्या हो जाएगी अगेन पॉजिटिव में, डेल्टा जी क्या हो जाएगी पॉजिटिव में, और अगर दोनों अगेन इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी विल बी जीरो, और जो आपका प्रोसेस है वो किस स्टेट में है, आपका प्रोसेस है जी इक्विलिब्रियम पे। हाँ जी, एनी डाउट, यस एनी डाउट, थम्स अप आ जाते हैं हमारे। हिमांशु, काव्या और किसका है, बाकी का है, ओला रवेक, हर्षदीप वेक है, ओके, और 4, 5, 7, 9, 6 तो लोहड़ी मना रहे हैं हम, ठीक है, 8, 9, बस 9 बाकी सो रहे हैं। आउट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स ऑल आर स्लीपिंग, ठीक है बेटे। तो क्राइटेरिया हम कंक्लूड करें, हाउ यू विल कंक्लूड इट, यू विल कंक्लूड इट कि डेल्टा जी हमारी नेगेटिव में होगी तब रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव में हो जाएगी रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी जीरो हो जाएगी तो रिएक्शन कहाँ है, इट इज ऑन इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी, व्हेन द डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, व्हेन द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, द डेल्टा नेगेटिव में डेल्टा एच बढ़े और टी डेल्टा एच चाहे तब कम हो जाए, अगर दोनों, अगर डेल्टा एच नेगेटिव में और टी डेल्टा एच पॉजिटिव में है तब तो ना सोने पे सुहागा हो गया, इट इज वेरी गुड, ठीक है। तो रिएक्शन ने तो स्पॉन्टेनियस होना ही होना है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और टी डेल्टा एच पॉजिटिव में, अदरवाइज इफ बोथ आर पॉजिटिव देन विच फैक्टर शुड फेवर, हरी अप, इफ बोथ आर पॉजिटिव तो कौन सा फैक्टर फेवर करना चाहिए, यस हु विल टेल मी, इफ बोथ आर पॉजिटिव देन टी डेल्टा एच शुड फेवर, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए, इफ बोथ आर नेगेटिव देन डेल्टा एच शुड बी फेवर, ठीक है, डेल्टा एच फेवर करना चाहिए, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। बारी बारी रिपीट, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन बेटे, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया इज मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम रैंडमनेस, एंड व्हेन देयर इज मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम रैंडमनेस द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक एंड गो टुवर्ड्स द स्टेट वेयर इज द पार्टिकल विल मूव हियर एंड देयर, ओके, एंड देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। तो किसी का स्पॉन्टेनियस होना का क्राइटेरिया क्या है, डेल्टा जी आपकी नेगेटिव में होनी चाहिए, अगर आपकी डेल्टा जी पॉजिटिव में आ रही है तो आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, ओके बेटे। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ यू नो द रिएक्शंस आर टू टाइप, वन इज एक्सो एंड वन इज एंडो, ठीक है, लेट अस डिस्कस इट, ठीक है, वन इज एक्सो एंड वन इज एंडो। एंडो क्या होती है, जब हम किसी को हीट देते हैं, ठीक है, मीन्स डेल्टा एच क्या है आपकी पॉजिटिव में, ऑब्वियसली हम जब एक्सो की बात करते हैं तो एक्सो की कब बात क्या करते हैं, जब डेल्टा एच आपकी क्या होती है बेटे, नेगेटिव में, ठीक है, जब नेगेटिव में होती है। अब खुद से आने हो, बाकी तो हम बाद में बातें करेंगे,
अब आप मुझे बताओ कि आपने अगर एंडो करवानी होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, और अगर एक्सो करवानी होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे? यस, फिर तो आपको सारा कंसेप्ट ही समझ आ जाना है। हरी अब, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सो जिसमें डेल्टा एच रिलीज हो रही है, ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ पहले आपके। अब इसको देखो ये कैसे नेगेटिव, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, एक्सो का मतलब है माइनस डेल्टा एच, मीन्स इट इज फेवरिंग। ठीक, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो डेल्टा एच एंडो का मतलब है इट इज अपोजिंग। ठीक है, अब पहले मैंने एक्सो की बात करी एंड आई एम आस्किंग यू कि टेम्परेचर शुड डिक्रीज और इंक्रीज। अर्शदीप इज राइटिंग एक्सो में टेम्परेचर शुड डिक्रीज। अर्शदीप, अकाव्य से एंडो में इंक्रीज करता है और एक्सो में डिक्रीज। हाँ आपको पता है बिल्कुल, यू आर इंटेलिजेंट, यू हैव डन ली चैटरली प्रिंसिपल। देखो बेटे, इन केस ऑफ अगर हमने एक्सो की बात करें तो एक्सो में क्या है, आपकी डेल्टा जी नेगेटिव में है। अब हम ये देखना है कि डेल्टा एस क्या होनी चाहिए। हाँ जी बेटे, सबने आंसर दे दिया है, रेड ऑल यू नो अबाउट द कंसेप्ट वेरी वेल। हाँ ठीक है, रिद्धि समृद्धि सबने दे दी है ना। एंडो में क्या है बेटे, एंडो में डेल्टा एच इज नॉट फेवरिंग एज इट इज पॉजिटिव, सो डेल्टा एस फेवर करनी चाहिए। अब ये फेवर कब करेगी, जब ये वैल्यू बढ़ेगी। ये वैल्यू कब बढ़ेगी, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तभी ये वैल्यू बढ़ेगी। अगर डेल्टा एस नेगेटिव में है, अगर डेल्टा एस नेगेटिव में है तो ये भी अपोज कर रही है सारे टेम्परेचर पे। समझ आ रही है बेटे, ध्यान से समझो। डेल्टा जी नेगेटिव में कब होगी, जब ये डेल्टा जी डेल्टा एस एच नेगेटिव में हो और डेल्टा एस जो है पॉजिटिव में हो। ठीक है, डेल्टा एच जैसे ये नेगेटिव में है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव में हो तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव बढ़ा देंगे। मगर इस केस में अगर डेल्टा जी डेल्टा एच पहले ही अपोज कर रहा है, ठीक है, और डेल्टा एस जो है आपका नेगेटिव में चला गया, इट इज मूव इन नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोई भी आप टेम्परेचर लोगे, टेम्परेचर जितना मर्जी आप इंक्रीज कर दो, ये रिएक्शन होनी नहीं है, एंडो तो बिल्कुल ही नहीं होनी। ठीक है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव में है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव में है मतलब रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है, तो लो टेम्परेचर में डेल्टा टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर दोगे और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव में है, तब आपकी रिएक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, क्योंकि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको इंक्रीज करने से रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। गेटिंग माई पॉइंट, इस केस में आपकी डेल्टा एस पॉजिटिव में है तो ये तो बिल्कुल ही हमें हेल्प नहीं कर रही, और ये कब हेल्प करेगी, जब ये पॉजिटिव में होगी। और इसका पूरी की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तब डेल्टा जी क्या चली जाएगी बेटे, नेगेटिव में। डेल्टा जी किस में चली जाएगी, इट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइक दैट एक्सो, अब एक्सो में ये तो फेवर कर ही रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव इसका मतलब फेवर कर रहा है। ठीक है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव में होगी फिर तो बहुत सारा फेवर करेगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, स्पॉन्टेनियस। तब तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, अगर ये फेवर करेगा। अगर ये डेल्टा एस नेगेटिव में है
तब ये फेवर नहीं करेगा, तब ये अपोज करेगा। डेल्टा एच मैंने बारी बारी बोला बेटे नेगेटिव में होनी चाहिए, डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए। अगर डेल्टा एस नेगेटिव में है तब ये फेवर नहीं करेगा, ठीक है, तब ये फेवर, जब फेवर नहीं करेगा उस केस की हम बात करते हैं, जब फेवर करेगा तो हमने कुछ नहीं करना। जब फेवर नहीं करेगा तो इसकी वैल्यू कब कम होगी, जब लो टेम्परेचर होगा, वेन देयर विल बी लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को आप कम करोगे तब क्या होगा, ये अगर नेगेटिव में हो गया तो ये सारी क्वांटिटी नेगेटिव में चली जाएगी और ये तो आपका रेनफोर्स कर ही रहा है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर इस केस में आप टेम्परेचर को हाई कर देते हो तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब मोर नेगेटिव ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, ये कम हो जाएगी, तो डेल्टा जी जो है वो नॉन स्पॉन्टेनिटी की तरफ चला जाएगा। बात समझ आई? आपको केसेस का पता होना चाहिए बेटे। देखो डेल्टा एच इस केस में नेगेटिव है, अगर डेल्टा एस अगर इस केस में पॉजिटिव है तब तो कोई बात नहीं, तब तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर डेल्टा एस इस केस में नेगेटिव हो जाएगा तब आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। समझ आ रही है? अब ये जो एंडोथर्मिक का केस है, इफ इट इज एंडोथर्मिक तो ये कब होगा, जब डेल्टा एस नेगेटिव में होता तो कुछ कोई चांस नहीं है, कुछ भी नहीं रिएक्शन का होना। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव में है और साथ में हम टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दें तो ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव में चली जाएगी और रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी टोटली नेगेटिव में चली गई, ये नेगेटिव है साइन, ठीक है। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव में है और टेम्परेचर आप डिक्रीज कर देते हो इस केस में तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ। बात समझ आई बेटे? एवरीवन गॉट द पॉइंट, यस और नो? थम्स अप आ जाएंगे फटाफट से। एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आना है बेटे पेपर में, ठीक है, ओके। तो हमने सेकंड लॉ थर्मो में यही सीखा है कि स्पॉन्टेनियस होने का मतलब ये है कि दो, ये दो चीजें जिसमें से ये इंक्रीज ये डिक्रीज हो, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम रैंडमनेस। एंड वाला दोबारा बता दो कौन सा बेटे रिधि, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, रेज द हैंड, वेयर इज रिधि, यू विल रेज द हैंड देन आई विल कैन अनम्यूट यू। यस मैम, एंडोथर्मिक वाला दोबारा बता दो। आप खुद सोचो एंडोथर्मिक में मतलब आप डेल्टा एच दे रहे हो, मतलब आप हीट एनर्जी दे रहे हो, इजंट इट, यस और नो? हाँ, जब हीट एनर्जी दे रहे हो तो डेल्टा एच पॉजिटिव में है, यस और नो? यस मैम। यस, तो ये तो फेवर कर नहीं रहा, ये कर रहे यस नहीं कर रहा? No, अब हमारा ये, अब डेल्टा एस, अब हम ये प्रे कर रहे हैं कि डेल्टा एस फेवर करे। अब डेल्टा एस कब फेवर करता है, जब पॉजिटिव में हो। अगर तो ये नेगेटिव में है, इसने भी नहीं फेवर करना, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस ही होनी है। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाना है और ये होल क्वांटिटी पॉजिटिव में चली जानी है, डेल्टा जी पॉजिटिव में आ जाना है, तब आपका कोई आंसर ही नहीं आना। तो जब डेल्टा जी नेगेटिव में है तब तो कुछ नहीं होना, डेल्टा एस सॉरी, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव में है, अब हमें है कि हम ये पूरा टी डेल्टा एस कैसे बढ़ाएं। मान लो डेल्टा एस आपका 20 पॉजिटिव 20 आ गया, तो अब टेम्परेचर को अगर 100 डिग्री कर दोगे तो ये 2000 हो जाएगा, तो माइनस 2000 हो जाएगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? मान लो इसका पॉजिटिव 20 है और टेम्परेचर आप इसका 50 कर देते हो, टेम्परेचर आप कम कर देते हो, तो ये 1000 वैल्यू आएगी, तो डेल्टा जी की जो नेगेटिव में वैल्यू है वो कम आएगी,
रिधि आगे बात समझ बेटे। ओके, एंडोथर्मिक में आपकी डेल्टा एच फेवर नहीं कर रही, और डेल्टा एच तभी फेवर करेगी जब डेल्टा एच पॉजिटिव में होगी, और ये और फेवर कब करेगी जब आप टेम्परेचर एंडो में आप टेम्परेचर इंक्रीज ही करना पड़ेगा। एक्सो में डेल्टा एच फेवर कर रही है, बहुत अच्छे से फेवर कर रही है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव में हो, डेल्टा एस नेगेटिव में हो तब क्या हो सकता है, पॉजिटिव में हो डेल्टा एस तब तो ये भी फेवर करेगी। अगर मिनिमम एनर्जी के साथ मैक्सिमम रैंडमनेस है ये फेवर करेगी, मगर जब डेल्टा एस नेगेटिव में हो जाएगी तो हमने इसको कम करना है। वो कम कैसे करेंगे, टेम्परेचर को कम करके। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हमारी टी डेल्टा एस भी फेवर करेगी। Got it? Yes. So in the last bete, delta G is equal to delta H minus T delta S. ये तो हम किसी भी स्टेट में बोलते हैं। अगर हम स्टैंडर्डाइज स्टेट में ले लें, जैसे एंट्रोपी को स्टैंडर्डाइज या एंथैल्पी को स्टैंडर्डाइज स्टेट में लिया था, वैसे इसको अगर स्टैंडर्डाइज स्टेट में ले लें तो इसको क्या लगा दोगे यहाँ पे, नॉट जी नॉट। ठीक है, जब आप सबको स्टैंडर्डाइज स्टेट में ले लो तो हम इसको क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन यू वेरी वेल नो क्या होती है। ठीक है, तो हम इसको तब स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटे, देयर इज एन रिलेशनशिप बिटवीन दिस डेल्टा जी नॉट जब आप स्टैंडर्डाइज कंडीशन में लेते हो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके ऊपर हम आपको न्यूमेरिकल डाल देते हैं और आपको ऐसे ही इसको याद रखना है। एंड आई थिंक टाइम इज गोइंग अप, वी विल डू दिस।